सतरीकाल जी। सतरीकाल इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? ओ लो जी, कमाल है जी, अपने पैसे लेने आया हूँ जी। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि मैंने कभी आपसे पैसे लिए हो। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ओ कोई गलत फहमी नहीं हुई जी, अभी गलत फहमी दूर कर देता हूँ जी। हेलो जी, गल कर लो जी। हेलो, कौन बोल रहा भाई? श्रेजी कालेश्वर कूल है, बाकी सब फूल है। ओ मालको, आप हो? ये पैसे का क्या चक्कर है मालको? अरे दुनिया में तो सब चक्कर पैसों का ही है शमशेर। मैं शॉर्ट आदमी हूँ, शॉर्ट में समझाता हूँ। वो जो धर्मपुरा के लिए मैंने तुम्हें 20 लाख रुपए दिए हैं, वो मुझे वापस चाहिए। सुनिए तो सही, मैं पिंड भी तो दे रहा हूँ उन पैसों के बदले में। वो तेरा पिंड मुझे अपनी चीज खोजने के लिए चाहिए था। वो मुझे मिल गया है, वो भी तेरी मदद के बगैर। इसलिए धर्मपुरा का सौदा कैंसिल। कैंसिल? अब इतने पैसे कहां से लाऊंगा मैं? कहीं से भी ला, लेकिन मेरे आदमी इस पुलिस वाले को 8 दिन के अंदर 3 लाख का पहला इंस्टॉलमेंट दे दे, क्योंकि इसी की वजह से मेरी चीज मुझ तक पहुंची है। मालको, 8 दिन में कैसे हो पाएगा? 4 दिन। मालको प्लीज, 4 दिन में? 2 दिन। और ज्यादा बोला ना तो अभी के अभी 3 लाख देने को बोलूंगा मैं। ठीक है ठीक है, मैं कल तक बंदोबस्त कर दूंगा। क्रेजी कालेश्वर कूल है, बाकी सब रविंदर, ये तो तेरा पेपर है ना? हाँ। पर तूने ऐसा क्यों और कब किया? मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने क्यों किया। जब हमारा पेपर खत्म हुआ तो हम टीचर को देने के लिए वेट कर रहे थे ना पेपर, तभी मैंने पेपर को एक्सचेंज कर दिया। मालूम है तेरी और मेरी हैंडराइटिंग सेम है, टीचर को पता भी नहीं चलता। पर तू मेरे लिए फेल क्यों हुआ? मेरा फर्स्ट आना, तेरा फेल हो जाना, ये तो चीटिंग है ना? ये चीटिंग नहीं है, मैंने उन लोग को सबक सिखाया है जो चीटिंग करके आगे बढ़ना चाहते थे, मैंने उन लोग को रोका है। रामू काका भी अजीब है, हमें यहाँ अकेला छोड़ के पता नहीं खुद कहाँ चले गए, अब हम क्या करें? आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। डॉक्टर, मेरा साला है, उसकी याददाश्त चली गई है। अगर आप उसकी याददाश्त वापस ला देते तो मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। आला रे आला, झिंगा लाला, कहाँ है आपका साला? है कहीं यही आसपास है, मैं आवाज लगाता हूँ उसे। ललन ललन, मैं देखता हूँ। ललन ललन, यहाँ भी नहीं है, लैब में भी ढूंढ लिया है, कहीं भाग तो नहीं किया? लगता है वो कहीं बाहर चला गया है। पता नहीं उस बेवकूफ को वापस आने का रास्ता याद भी रहेगा कि नहीं। ललन की याददाश्त वापस नहीं आई तो मुझे मैजिक मोबाइल कैसे मिलेगा? ओए, तो लस्सी बड़ी टेस्टी है। पापा जी, आप भी मलाई वाली लस्सी पिएंगे? पापा जी, ये नॉर्मल लस्सी नहीं है, और इसमें 2 पैसों का दूध और 3 पैसों की दही मिली हुई है, और आप पी के देखिए, मजा आ जाएगा। ओए खोतिया, दिमाग का दही मत कर मेरा।
यार पैसे की टेंशन में मरा जा रहा हूँ, तुझे लस्सी भी पड़ी हुई है। पापा जी ए तो बड़ी गंभीर समस्या है। ओए कालेश्वर ने तो जबान चला के 3 लाख रुपए की पहली किस्त देने के लिए बोल दिया, पर लेकिन तोते तो आपके उड़ गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतने सारे पैसे कहां से आएंगे, कुछ सोचा आपने? खोतिया तू मुझे सोचने देगा तो सोचूंगा ना मैं, ये तो तू खुद ही अपना दिमाग लगा के बता दे इतने पैसे कहां से आएंगे, बता। वैसे आप मुझे बताइए कि करना क्या है, चोरी करना है या डाका डालना है? दादाजी, पापा जी आइडिया, दादाजी का खजाना किस दिन काम आएगा आपको याद है ना, वो अपने गले में सोने की चैन पहना करते थे। ओए बकवास, ओए रंजीते, वो तेरी कभी कभी बेवकूफी वाली बातें सही रास्ता दिखा देती हैं। आपने देखा, आपने मुझे फिर से बेवकूफ कहा, और मैंने आपको रास्ता दिखाया, आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है ठीक है, I got you.